हेलो गाइस, फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। आज मैं आपके कमेंट का सही उत्तर और सही जवाब देने वाला हूं, क्योंकि गाइस बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं आईफोन के रिगार्डिंग। तो ये बोल रहे हैं कि गाइस रिफर्बिश आईफोन लेना सही रहेगा या नहीं रहेगा, इसके ऊपर एक वीडियो बनाओ। तो गाइस रिफर्बिश मोबाइल मेरे पास आईफोन तो नहीं है, लेकिन मैंने कुछ टाइम पहले, आज से एक साल पहले मैंने आईफोन 7 मंगाया था। तो मेरा ओपिनियन कैसा रहा उसके पास, और गाइस मैंने उसको कम से कम 7-8 दिन उसको यूज भी किया था, उसकी 10 दिन की रिटर्न पॉलिसी थी, तो मैंने उसको वापस रिफंड कर लिया था। आईफोन 7 मंगाया था, उसके बाद में मैंने एक रेडमी नोट 5 प्रो भी गाइस मैंने मंगाया था, इसके भी आप वीडियो देख सकते हो मेरे यूट्यूब के ऊपर। तो गाइस मैं फुल डिटेल्स में बताऊंगा, वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब कर देना। खासतौर पर जो रिफर्बिश मोबाइल लेना चाहता है तो वो खासतौर पर मेरा वीडियो जरूर देखना, क्योंकि फिर बाद में आपको पछतावा रहेगा। ठीक है, इसमें रियलिटी बता रहा हूँ, कोई फेक नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मेरा ओपिनियन है। दो मोबाइल मंगाए, दोनों के साथ मेरा कैसा एक्सपीरियंस रहा है। ठीक है, तो गाइस सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अगर आपको कोई सेकंड हैंड मोबाइल बेच रहा है, आईफोन ब्रांड न्यू है, एक भी बार ओपन नहीं हो रखा, पार्ट बैटरी वगैरह कोई चेंज नहीं हो रखी है, तो आप उससे बेच दीजिएगा आईफोन ले सकते हो। पहला तो मैं आपको ये क्लियर कर लेता हूँ कि अगर कोई नया फोन है और वो सेल कर रहा है, बेच रहा है एक साल चला के, तो आप बिल्कुल उसको ले सकते हो। ये कैसे चेक कर सकते हो कि उसका पार्ट जेन्युइन है या चेंज तो नहीं हुआ है कोई पार्ट, आईफोन कोई सा भी आईफोन ले रहे हो? तो गाइस उसके लिए आप 3U टूल है, उस पर आप जाके चेक कर सकते हो, सब कुछ वहां पे आपको बताएगा, सीरियल नंबर डालना पड़ेगा, सब कुछ आपको वहां पे बता देगा। बहुत सारे यूट्यूब पे इसके रिगार्डिंग वीडियो भी बन जाएगा, ओरिजिनल आईफोन जेन्युइन पार्ट वगैरह है तो कैसे चेक करो, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। तो गाइस जैसे मैंने रेडमी नोट 5 प्रो सबसे पहले मंगाया था डिवाइस, ठीक है, तो गाइस उस पर मुझे कोई अच्छा एक्सपीरियंस नहीं मिला, क्योंकि गाइस उसमें बैटरी की दिक्कत थी, खास होती जो गाइस बैटरी की ही दिक्कत होती है। अब एंड्रॉइड में तो हम पता नहीं कर सकते कि ओरिजिनल बैटरी है या डुप्लीकेट है, चेंज हो रही है क्या है। ठीक है, वो फोन है मेरे पास, लेकिन वो मैंने अपने वाइफ को दे दिया, वो यूज कर रही है, तो उसमें गाइस जैसे कि बैटरी एक साथ कभी 70% है, आप जैसे चला रहे हो तो 5 मिनट बाद डायरेक्ट ही बैटरी 5% या 6% एकदम पता नहीं चलता कि वो जल्दी डिस्चार्ज होने लग जाती है। तो गाइज रिफर्बिश मोबाइल का कैमरा क्वालिटी अच्छा आता है, बाकी सब कुछ अच्छा आता है गाइज, जो मेन दिक्कत है बैटरी की दिक्कत आपको देखने को मिलती है। हो सकता है कि इसमें भी कैमरा चेंज हो, ऐसा कुछ हो, तो मैं भी कोई इसको पता नहीं लगा सकते अपन, लेकिन क्वालिटी तो कैमरा वगैरह की परफॉर्मेंस वैसा ठीक था, लेकिन कभी कभार लैग का भी प्रॉब्लम होता था। और जैसे कि अगर मैं करूँ बात बैटरी की, तो बैटरी मुझे एक्सपीरियंस उसमें भी सही नहीं मिला था गाइज। और बात करता हूँ भी आईफोन 7 की, तो आईफोन 7 मैंने मंगाया था गाइज, एकदम पूरा ब्रांड न्यू जैसा दिख रहा था, सुपर कंडीशन मंगाया था, क्योंकि गाइज उसमें क्या होता है जैसे कि बैक पैनल भी चेंज होता है, क्योंकि यार गाइज इतना पुराना मोबाइल है, एकदम नया कैसे हो सकता है, स्क्रेच तो उसमें आ ही जाता है, लेकिन सब पार्ट चेंज होता है, बैटरी कैमरा वो सब कुछ 3U टूल में जाके आप पता कर सकते हो। तो गाइज मुझे एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा है आईफोन का। अगर आप रिफर्बिश अगर कोई शौक के लिए लेना चाहता है, दिखावे के लिए लेना चाहता है, तो गाइज मैं भी ले सकते हैं, कोई 11 मिल जाएगा आपको रिफर्बिश 20-21-22 हज़ार में, 13 मिल जाएगा 30-35 हज़ार के आसपास। अगर आपको लेना भी है गाइज रिफर्बिश मोबाइल, तो आप उसकी बैटरी हेल्थ को आप जरूर आपको लेनी चाहिए, जैसे कि आपको 90% के आसपास हो तो ही लेना, क्योंकि 80% के बाद तो एप्पल खुद ही बोलता है कि भाई बैटरी चेंज करवा लो, बैटरी सर्विस के ऊपर सर्विस मांगने लग जाती है। तो गाइज अगर आप लेना ही चाहते हो शौक के लिए, तो गाइज हो सके तो ऐसा मोबाइल आप ढूंढिए जो किसी यूजर्स ने चला रखा हो 1-1.5 साल के आसपास, और सब कुछ ओरिजिनल जेन्युइन पार्ट हो, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं है लेने में, आप ले सकते हो। 3U टूल से चेक कर सकते हो जहां भी जाते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, भाई मेरे को लेना है मैं चेक करूंगा। अगर दूसरा पार्ट चेंज है, कैमरा वगैरह, तो भी आप ना लीजिए, क्योंकि जो ओरिजिनल चीज होती है गाइज ओरिजिनल होती है, और बैटरी फिर आप परेशान हो जाओगे, एक साल चलाओगे तो आईफोन से आप परेशान हो जाओगे, क्योंकि जो डुप्लीकेट बैटरी होती है वो बहुत जल्दी ड्रेनिंग हो जाती है, बैटरी बैकअप इतना अच्छा नहीं निकाल पाती है, और डिवाइस का जो परफॉर्मेंस होता है गाइज वो भी इतना अच्छा नहीं रहता है, और आपको जो सेटिंग्स के अंदर है वहां पे आपको अननोन पार्ट करके शो करेगा। तो गाइज हो सके तो अच्छा मोबाइल ढूंढिए। तो गाइज मेरा मैं आपको कभी रिकमेंड नहीं करूंगा कि आप रिफर्बिश मोबाइल आईफोन या कोई सा मोबाइल हो गाइज लीजिए, इससे अच्छा है कि अगर आपको लेना ही है तो अच्छा मोबाइल लीजिए और थोड़ा पैसे लगा के, तो आपको 2-3 साल 4 साल तक उसको देखना नहीं पड़ेगा। आप सेकंड हैंड मोबाइल बाय करोगे, कुछ टाइम बाद उसकी बैटरी दिक्कत हो जाएगी, मतलब खर्चे पे खर्चे आपको गाइज देना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको ये सजेशन नहीं करूंगा कि आप आईफोन या कोई भी मोबाइल बाय करें रिफर्बिश।
तो गाइज यही न्यूज थी। रिफर्बिश मोबाइल बिल्कुल भी बाय मत करना आप, हो सके तो न्यू लिए या कोई सेकंड हैंड मोबाइल हो दोस्त से तो आप उसका ले सकते हो। ठीक है गाइज, ये ओलेक्स वगैरह कैसीफाई वगैरह इन सभी पे ये मोबाइल होते हैं जो इसमें रिफर्बिश सभी पार्ट्स जेन्युइन नहीं होते हैं, और ऐसा भी होता है कोई कोई ओरिजिनल पार्ट भी होते, तो आप 3U टूल से चेक कर सकते हो आईफोन का। तो गाइज यही न्यूज थी, और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक से सब्सक्राइब करें। तो गाइज मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।